नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं पर्यटन स्थल खंडोली, जहां पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मौके पर प्रकाश रजक, दिनेश रजक, मनोज रजक समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। संघ के लोग काफी तादाद में युवा वर्ग भी शामिल हुए इस बैठक में। बताया जाता है इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के लोकप्रिय नेता, साथ ही आयसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा पहुंचे और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के वर्तमान के समय में युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। कहा कि समाज के अंदर फैले कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। कहा कि हर हाल में हम सब एक होंगे, जो बिखरे हुए हैं उसे मिलाएंगे। इधर प्रकाश रजक ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कई तरह के आश्वासन भी दिए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई समाज के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं या कोई समस्या हो तो सीधे संपर्क करें। वहीं मनोज कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि फिलहाल वर्तमान के समय में हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां हैं, जिन्हें दूर करना सख्त जरूरत है। वहीं दिनेश बैठा ने कहा कि आज के वर्तमान के समय में युवाओं में नशा पान बढ़ गया है, इस पर पाबंदी लगना नितांत आवश्यक है। इसके अलावे सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखे और युवाओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय धोबी महासंघ का संगठन को मजबूत करने की बात कही। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।